नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आज का दिन गौरवशाली है। आज इतिहास का वो दिन है जिसे हम स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं। जी हाँ, 1971 में आज ही के दिन हमने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। 13 दिन चली लंबी लड़ाई के बाद आज ही के दिन हमने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वो ऐतिहासिक जीत जिसे हमेशा के लिए इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जी हाँ, आज इस जीत को दर्ज करें 50 साल पूरे हो चुके हैं। आज हम हिंदुस्तानी इस जीत पर गोल्डन जुबली मना रहे हैं। पाकिस्तान पर विजय की जो दास्तान है, ये किस तरीके की है, ये इस कहानी से जुड़ा एक एक बड़ा चैप्टर हम आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस लड़ाई को जो अंजाम दिया गया था, पाकिस्तान के बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश थी सबसे पहले जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमाने की, और उसके तहत उनका ये प्लान था कि हम चोरी छुपे जाएंगे, इंडिया पर हमला करेंगे, घबराए इंडियन सैनिक जो है वो पीछे हटेंगे, जिसके बाद हम पहले पंजाब पर कब्जा करेंगे और पंजाब से जम्मू जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं, जो हाईवे हैं, उन्हें अपने कब्जे में कर लेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर का देश के बाकी हिस्सों से कनेक्शन टूट जाए। जैसे ही कनेक्शन टूट जाएगा तो फिर हम जम्मू कश्मीर के रास्ते से कश्मीर में एंट्री करेंगे और भारत को खदेड़ देंगे और कश्मीर पर कब्जा जमा लेंगे। लेकिन कश्मीर की खीर खाने की यह मंशा पाकिस्तान की पूरी नहीं हो पाई। हमने उन्हें किस तरीके से धूल चटाई, किस तरीके से उन्हें औंधे मुंह खदेड़ दिया, इसकी दास्तान मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं। दरअसल ये तो आपने सुनी कि मंशा क्या थी पाकिस्तान की, अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने क्या क्या कुछ किया, किस तरह से प्लानिंग के तहत पहले पूर्वी बॉर्डर, फिर पश्चिमी सीमा पर पहुंचकर हमारे लिए एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची थी कि हमारा ध्यान भटकाया जाए, हमारे सैनिकों को दिशाहीन किया जाए और उसके बाद आसानी से हिंदुस्तान के कश्मीर इलाके पर कब्जा जमा लिया जाए। लेकिन कब्जा जमाने की जो मंशा थी, उसे कैसे ध्वस्त किया गया, उसकी मैं आपको 5 चीजें बताता हूं। देखिए, चाहे वो बसंत सर की लड़ाई हो, लोंगेवाला की लड़ाई हो, ऑपरेशन ट्राइडेंट हो, या फिर तंगैल एयरड्रॉप हो, और इसके अलावा मेघना नदी पर हेली ब्रिज का निर्माण करना हो, ये 5 वो पॉइंट्स हैं जो हमारी इस पूरी लड़ाई के की पॉइंट्स हैं। ये 5 वो मुद्दे हैं जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो ये मान लीजिए कि आपने पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देख लिया और युद्ध के एक एक चीज से आप वाकिफ हो गए। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं लोंगेवाला से। दरअसल 4 से 5 दिसंबर की वो रात थी, उस रात की बात हम आपको बता रहे हैं। 4 से 5 दिसंबर की बात थी, हमारे बॉर्डर पर कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ एकदम शांत था। हर रोज की तरह सैनिक बॉर्डर पर पहरेदारी कर रहे थे, जैसा कि हर रोज करते आए थे। उसी बीच क्या होता है कि सुबह 4 बजे पाकिस्तानी सैनिकों ने टैंकों से लैस होकर 4,000 सैनिक एक साथ भारत की तरफ उन्होंने धावा बोल दिया, एक साथ चलते आ रहे थे बॉर्डर पर। सुबह 4:30 बज गए जब हमें पता चला हमारे सैनिकों को कि ये बहुत बड़ा हमला है। टैंकों की लाइट्स दिखाई दी, गड़गड़ाहट सुनाई दी, सैनिकों की उथल पुथल सुनाई दी। उसके बाद हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, हमारे पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं था कि अचानक से अगर लड़ाई होती है तो हमें किस तरीके से मोर्चा संभालना होगा। फटाफट इसकी तला दी गई इंडियन एयरफोर्स को, यानी AIF को। तो इंडियन एयरफोर्स जो कि सबसे पहले मदद करने पहुंची थी 71 की लड़ाई में, बहुत बड़ा योगदान है इंडियन एयरफोर्स का इस लड़ाई को जीतने में। तो सबसे पहले इत्तला दी गई इंडियन एयरफोर्स को, क्योंकि वो हवाई मदद ऐसी थी जो सबसे पहले हमारी मदद करने की में सक्षम थी। सुबह 7 बजते हैं और 7 बजे हमारे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट मोर्चा संभाल लेते हैं। उसके बाद तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। जी हां, देखते ही देखते चंद घंटों के अंदर एक ऐसी तस्वीर बदलती है जिसकी शायद पाकिस्तान ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दमादम फायर होते हैं और ऊपर से गोले बरसाए जाते हैं, इंडियन एयरफोर्स गोले बरसाती है, जिसके बाद पाकिस्तानी टैंकों के परखच्चे उड़ जाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। उसके बाद कुछ देर के लिए ये वहां पर विराम लग जाता है। आपको हम पूरा बता रहे हैं कैसे हुआ। एक बार मुंगी खाने के बाद पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं था। पाकिस्तान ने फिर कोशिश की, धीरे धीरे फायरिंग होती रही, दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। 3 बजे एक बार फिर पूरी ताकत के साथ पाकिस्तानी सैनिक एक बार फिर बड़ा हमला करते हैं हमारे सैनिकों पर।
लेकिन इंडियन एयरफोर्स एक बार फिर मोर्चा संभालती है और पाकिस्तानी टैंकों के ऐसे परखच्चे उड़ाती है कि 37 टैंक राख बन जाते हैं। 250 अपनी गाड़ियां छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक अपने देश की तरफ भाग जाते हैं। हमारे सैनिक उनके पीछे पीछे उनका पीछा करते हुए 10 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान की सेना में घुस जाते हैं और घुसकर मारते हैं। तो ये जज्बा था, ये लोंगे वाला की हमने आपको लड़ाई दिखाई है, जो बताई है कि किस तरीके से पाकिस्तान को खदेड़ दिया, उन्हीं के देश में वापस भेज दिया, उनके टैंकों को ध्वस्त कर दिया, उनके हौसलों को नेस्तो नाबूद कर दिया, हर वो उन्हें सबक सिखाया जो वो चाहते थे। और अभी इस लड़ाई में बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि दोस्तों अभी तो आपने पहले दिन का हाल सुना है, अभी आप देखिए 13 दिन तक इस लड़ाई में क्या क्या हुआ, ये पहले दिन की अपडेट हमने आपको दिखाई है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बसंतपुर बाकी है, ऑपरेशन ट्राइडेंट बाकी है। तो ये तमाम चीजें जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल, हम आपको इस लड़ाई से जुड़ी सारी अपडेट्स अपनी अलग अलग वीडियोस में दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल इंडिया न्यूज अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।